बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू इडियो प्लानर। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अदनान। जैसे कि हमारी जो है वो लास्ट टाइम जो है वो इंट्रोज के अंदर डिस्कशन हो चुकी है कि हम जो है वो पीपीएससी और एफपीएससी के अंदर आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं और बाकी जितने भी कम्पटिटिव एग्जाम्स हैं उनके करंट अफेयर की सीरीज जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने अपना आगाज जो है वो 2022 की सीरीज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो जनवरी की कमेंट्स जो है उसके एमसीक्यूज जो है वो हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जितने भी एफपीएससी और पीपीएससी के एग्जाम्स आते हैं, एफपीएससी और पीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के अंदर जो करंट अफेयर का पोर्शन शामिल किया जाता है वो तकरीबन लास्ट 2 ईयर्स का होता है। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो जो हमारा 2023 के अंदर जितने भी एग्जाम्स होंगे, चाहे वो एफआईए के हों या उसके अलावा जितने भी कस्टम्स के होंगे, एफबीआर के होंगे और इवन के पीएमएस का जीके का पोर्शन जो है उसके अंदर भी जो है वो लास्ट 2 ईयर्स का जो करंट अफेयर है वो शामिल होगा, तो उसके अंदर जो है वो ज़्यादा जो पोर्शन होगा वो 2022 से उठाया जाएगा। तो उस हिसाब से जो है वो हमने सीरीज़ का आगाज़ करेंगे कि जिसके अंदर जो है वो सबसे पहले हम जनवरी 2022 के जो एमसीक्यूज आए हैं, जो हमारे न्यूज़पेपर के अंदर शामिल हैं, हम उनको जो है वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और फिर उसके बाद जो है हम इसी तरह सीरीज को जो है वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जितने भी बच्चे जो हैं वो किसी भी फॉरम से जो है वो वन पेपर की प्रिपरेशन करते हैं तो वो प्रिपरेशन जो है वो उस टाइम के लिए तो ठीक होती है, लेकिन जो करंट अफेयर का पोर्शन जो होता है वो बार बार जो है वो रिपीट होता रहता है, चेंज होती रहती हैं चीज़ें। तो उसके लिए जो है वो कोई एक ऐसा फॉरम होना चाहिए कि जहाँ पर वो अपना करंट अफेयर जो है वो पोर्शन जो है वो प्रिपेयर करते रहें। तो हम अपना टाइम जो है वो ज़ाया किए बगैर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ का, कि जिसके अंदर जो है मैं फिर जिक्र करूंगा कि 2022 का जो जनवरी का मंथ है उसके अंदर जो करंट अफेयर्स जो आए थे, जो हमारे न्यूज़पेपर के अंदर शामिल किए गए थे, हम वहां से आगाज़ करेंगे। और इंशाल्लाह जो है हमारी एक और सीरीज़ जो है वो 2023 के नाम से स्टार्ट होगी, जिसके अंदर जो है वो 2023 का जो करंट अफेयर है वो शामिल होगा, जो हमारा इम्पोर्टेंट होगा इस साल के लिए भी। तो हम जो है वो आगाज़ करते हैं हमारे फर्स्ट एमसीक्यू से, कि ये जनवरी 1 को जो हमारा न्यूज़पेपर था उसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल थी और कुछ जो है वो जनवरी 2 के अंदर शामिल थी। तो सबसे पहले है रिप्लेसमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, जो हमारा एक नया पाकिस्तान एक स्कीम स्टार्ट की थी जो कि हेल्थ कार्ड की थी। नया पाकिस्तान नेशनल हेल्थ कार्ड जो था उसके अंदर जो है इन्होंने एक स्कीम स्टार्ट की थी जनवरी 1 के अंदर 2022 में। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जो थे इमरान खान साहब, उन्होंने जो है कहा था कि हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जहां पर डॉक्टर्स जो है वो रेगुलर नहीं होते, लोग जो है प्राइवेट क्लिनिक्स पे जाके जो है वो अपना इलाज करवाते हैं, तो क्यों ना हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को ख़त्म करें और जितने भी जो पोर्शन है, जितना भी हमारा जो इन्फ्लक्स है पेशेंट्स का, वो प्राइवेट डॉक्टर्स को जो है वो हम हेल्थ कार्ड के जरिए फैसिलिटेट करें अपने पेशेंट्स को भी और अपने लोगों को भी, ताकि जो है वो हमारी जो सेहत की सहूलियात हैं वो बेहतर हो सके। तो उसके बाद जो है सेकंड है कि इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो चेयरपर्सन है वो कौन होता है। जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है इसका चेयरपर्सन जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। जो प्राइम मिनिस्टर होगा, वर्किंग प्राइम मिनिस्टर होगा, वही जो है इसका क्या होगा, चेयरपर्सन होगा। इसकी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो है इसका चेयरपर्सन कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। और इसको जो है वो हेड कौन कर रहा होता है, फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद आ गया जी, इसमें और क्वेश्चन इससे रिलेटेड जीके के क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, वो ये पूछ सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है ये पहली बार जो है वो कब बनी थी, इसको जो है हम क्या कहते हैं, ECC इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो पहली बार कब बनी थी, 1965 के अंदर। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो पहली बार 1965 के अंदर बनी थी, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद ये हो सकता है कि वो टाइम पीरियड जो है वो इरा किसका था, तो वो इरा था अयूब खान का। ये दो क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर आपने याद रखने हैं एमसीक्यूज के लिए। वैसे तो उसने सिर्फ जो है ये जिक्र किया था न्यूज़पेपर के अंदर
कि चेयरपर्सन कौन होता है, किसने चेयर किया था इस मीटिंग को, ये जनवरी हमारे पास हुई थी दिसंबर 31 को, ठीक है। उसके बाद आ गया जी नेक्स्ट रेजोल्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट इन पंजाब। पंजाब के अंदर आपको पता है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए थे, फिर उसके बाद जो है वो जो गवर्नमेंट बनी थी वो कभी जो है उसको डिसॉल्व कर दिया गया था, जैसे ही पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी तो उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उन सबको जो है वो दोबारा से बहाल किया था, और उसके बाद जो है इनको जो है वो दोबारा जो है वो क्या किया, रेजोल्यूशन कर दी गई थी इस लोकल गवर्नमेंट की पंजाब के अंदर, और वो कब की गई थी जी, दिसंबर 31st 2021 को, कि जो गवर्नमेंट थी उसने दोबारा से जो है वो इस लोकल गवर्नमेंट को जो है वो क्या कर दिया था, डिसॉल्व कर दिया था, और वो उसकी डेट क्या थी हमारे पास, दिसंबर 31st 2021 को। अच्छा जी नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है जी कंट्री डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक उसका जो है वो कंट्री डायरेक्टर कौन है पाकिस्तान के अंदर, तो वो कौन है जी, पाकिस्तान के अंदर है जी जोंग जी, ये कंट्री डायरेक्टर है पाकिस्तान के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इसके अंदर और भी एमसीक्यूज आ सकते हैं जीके के पोर्शन के लिए, कि जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो कब बनी थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये बनी थी कि एशिया के जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट, कि उनके जो डेवलपमेंट चार्जेस जो है जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको किसी तरह कंपनसेट किया जाए, ताकि वो भी डेवलप्ड दुनिया के साथ जो है वो कम्पीट कर सकें। तो इसको जो है वो एक्रोनिम जो यूज किया जाता है वो है ADB, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये कब बनी थी, एशियन डेवलपमेंट बैंक बनी थी जी दिसंबर 1966 के अंदर जो है वो एशियन डेवलपमेंट बनी थी, किसके लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो एशिया के अंदर हैं। और फिर उसके बाद आ जाता है जी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर अगर ये क्वेश्चन पूछता है उसके एस्टेब्लिशमेंट का, तो फिर उसके बाद जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है जी आजकल इसका जो है वो प्रेसिडेंट कौन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है वो कौन है प्रेसिडेंट, वो है जी मसातसुगु, ठीक है, मसातसुगु जो है वो इसका क्या है प्रेसिडेंट है। फिर उसके बाद इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसके अंदर टोटल कितने मेंबर्स हैं, इसके टोटल जो है वो कितने मेंबर्स हैं, तो इसके टोटल मेंबर्स की तादाद कितनी है जी हमारे पास, मेंबर्स जो है वो है 68, जो टोटल मेंबर्स हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के वो कितने हैं जी 68। इसके अंदर जो मेन हमारा न्यूज़पेपर के अंदर क्वेश्चन था वो ये था कि कंट्री डायरेक्टर का नाम यूज हुआ था। आप याद रखें कि करंट अफेयर में क्वेश्चंस वही पूछे जाते हैं मैक्सिमम तौर पर जो कि हमारे न्यूज़पेपर के अंदर शामिल किए जाते हैं। न्यूज़पेपर के अंदर किसी का नाम आता है क्योंकि हम न्यूज़पेपर को रीड तो कर रहे होते हैं लेकिन हम एक खास पोर्शन रीड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत सारा करंट अफेयर का पोर्शन जो है वो हम निग्लेक्ट करके आगे गुजर जाते हैं। हमारा मेन फोकस होता है एडिटोरियल्स पे, या एक आधा कॉलम जो है वो हम रोज पढ़ लेते हैं, ज्यादा हम पोर्शन नहीं पढ़ते। लेकिन अगर आपने डेली करंट अफेयर खुद प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट यही है कि पूरी अखबार को जो है कोई एक न्यूज़पेपर उठा लें, डॉन ले लें, द नेशंस ले लें, तो कोई भी न्यूज़पेपर जो है उसको थॉरली रीड करें तो आपका करंट अफेयर जो है वो खुद ब खुद जो है वो प्रिपेयर होता रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास, कहते हैं जी व्हेन रशिया टेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल। रशिया ने जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उनको जो है वो टेस्ट किया था जनवरी 1 को, तो कितने थे टोटल, टोटल जो इन्होंने मिसाइल फायर किए थे टेस्ट के तौर पर वो थे 10 हाइपरसोनिक मिसाइल जो थे उनको जो है वो रशिया ने जो है वो टेस्ट किया था। और फिर उसके बाद जो है इनको टेस्ट कब किया था, इनको टेस्ट किया था उन्होंने दिसंबर 31st 2021, ठीक है, लास्ट डे था इस ईयर का, तो उन्होंने जो है उस डेट को हाइपरसोनिक मिसाइल्स को जो है वो टेस्ट किया था। उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पर रशिया का जब वर्ड आएगा तो रशिया के लिए याद रखें कि रशिया के अंदर जो है वो क्वेश्चन आता है जी आजकल जो सबसे इंपॉर्टेंट है
कि रशिया ने किस डेट को जो है वो यूक्रेन के ऊपर जो है फुल फ्लेज वॉर जो है वो शुरू की थी, तो उसकी डेट क्या है हमारे पास, फेब 24, 2022 को यूक्रेन के ऊपर जो है वो फुल फ्लेज वॉर जो है वो उन्होंने स्टार्ट की थी। और फिर उसके बाद इसके साथ और क्वेश्चन क्या हो सकता है रिलेटेड क्वेश्चन, ये कि उस टाइम के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उन्होंने जो है वो किस डेट को जो है वो रशिया का दौरा किया था, वो पहुंचे थे फेब 23, 2022 को वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने जो वो प्रेसिडेंट प्यूटन के साथ मुलाकात की थी कब, फेब 24 को, और उसी दिन जो है उन्होंने फुल फ्लेज वॉर जो है वो स्टार्ट कर दी थी अगेंस्ट यूक्रेन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन है जी कि इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो कब तक जो है वो कंप्लीट होगा। जो फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चंस होते हैं वो भी अक्सर हमारे करंट अफेयर का पोर्शन होते हैं, जो कभी न्यूज़पेपर के अंदर जो है वो इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो इसी तरह जो है वो इस्लामाबाद का जो क्रिकेट स्टेडियम है, एक रिपोर्ट दी थी उन्होंने कि ये कब तक कंप्लीट होगा, उन्होंने कहा था कि ये जो है वो कंप्लीट हो जाएगा 2025 तक, कि 2025 तक जो है वो इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में उन्होंने ये कहा था कि जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो है वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो है 2025 के अंदर जो होनी है उसको होस्ट कौन कर रहा है जी, उसको होस्ट करना है पाकिस्तान ने, तो तब तक जो है ये स्टेडियम जो है इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। फिर उसके बाद एक और एमसीक्यू है जी जो हमारे न्यूज़पेपर में शामिल था, वो ये था कि विच कंट्री बैन प्लास्टिक बैग यूसेज, कि प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल जो है वो किस कंट्री ने जो है वो कंप्लीटली जो है वो खत्म कर दिया है, तो वो कौन सा कंट्री था जी हमारे पास, फ्रांस सबसे पहला है जी, कि किस कंट्री ने किया है वो हमारे पास है जी फ्रांस। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें से वो पूछ सकता है जी किस डेट को जो है उन्होंने फ्रांस ने जो है इसको यूजेज को जो है वो बैन किया है प्लास्टिक यूजेज को, तो उसकी डेट हमारे पास क्या है जी, 1 जून को, सॉरी जनवरी 1, 2022। ये इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाली डेट, ये याद रखें कि फ्रांस ने किया था। फिर उसके बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट का वो अक्सर पूछ लेते हैं, ये तो तकरीबन पाकिस्तान में अब सबको पता होता है कि जो है वो कौन है जी, मैक्रोन, एम्यूल मैक्रोन जो है वो इनका प्रेसिडेंट है। फिर उसके बाद फ्रांस से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए जी फ्रांस का कैपिटल क्या है, फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, पेरिस इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ लव, पेरिस इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ लव, सिटी ऑफ लव भी कहते हैं पेरिस को। फिर उसके अलावा और क्वेश्चन क्या हो सकता है जी इसके अंदर, फ्रांस की करंसी का पूछा जा सकता है, जो कि आपके जीके में पूछा जा सकता है कि फ्रांस की जो है वो करंसी क्या है, यूरो, फ्रांस के अंदर जो है वो यूरो यूज होता है, या उसके अलावा जो है वो फ्रैंक। ठीक है, ये जो है इसकी करंसी है। ये जी जो हमने करंट अफेयर अभी डिस्कस किया है इसके अंदर जो है वो हमारे पास है जनवरी का हम स्टार्ट कर रहे हैं ये पूरी सीरीज, पहले जनवरी के जितने भी न्यूज़पेपर्स इकट्ठे हुए थे उनके जो है वो हमने डेटा जो है वो इकट्ठा करके रखा हुआ था, उसको हम भी हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। तो पहले हम सीरीज के साथ जो है वो जनवरी का डेटा डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो है इसी तरह एक्सटेंड करते हुए जो है वो हम इस साल के एंड तक चलेंगे, और ये डेटा जो है वो तेजी के साथ चला जाएगा ताकि जितने भी हमारे नेक्स्ट FIA के एग्जाम्स आ रहे हैं वहां तक जब तक वो एग्जाम्स हमारे हों तब तक जो है वो 2022 का डेटा जो है वो कंप्लीट हो चुका हो, और उसके साथ जो है वो 2023 की भी सीरीज चल रही होगी। तो ये वाला जो पोर्शन है फर्स्ट सीरीज का, जो फर्स्ट लेक्चर था, इसको हम यहाँ तक क्लोज करते हैं। तो बहुत शुक्रिया, और ये सीरीज को जो है वो देखते रहें ताकि जो है आपका करंट अफेयर जो आपने अपनी तैयारी के दौरान किया था उस टाइम के लिए, लेकिन अब आपने दोबारा एग्जाम देने हैं तो उसको अपडेट करने के लिए जो है वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।